मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले सोमवार को एक बार फिर स्थायी कर्मी व दैनिक वेतन भोगियों ने मंत्रालय के सामने सीधी भर्ती का विरोध किया। साथ ही आदेश की प्रतिलिपि जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अर्धशासकीय विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया गया, जिसका कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगियों ने मंत्रालय के सामने इस आदेश का विरोध किया और सरकार के आदेश की प्रतिलिपि जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी मंच पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन भोगी और स्थायी कर्मचारी 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका पदों पर विनियमितीकरण किया जाए, लेकिन सरकार इन पदों पर सीधी भर्ती करने जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार के सीधी भर्ती करने का निर्णय का विरोध कर रहा है, सीधी भर्ती के आदेश की प्रतिया जला रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रदेश के स्थायी कर्मी जिनकी संख्या 45,000 है और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई नहीं करी है और सीधी भर्ती करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे प्रदेश के 45,000 स्थायी कर्मियों में और 25,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में असंतोष का वातावरण निर्मित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि पहले अनियमित कर्मचारियों को विभाग के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती की जाए, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर उतारू है और सीधी भर्ती करना चाहती है, स्थायी कर्मियों के दैनिक वेतन भोगियों के नियमितकरण अधिकारों का हनन करना चाहती है, जिसका मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच विरोध कर रहा है। सीधी भर्ती के आदेश की प्रतिया मंत्रालय के सामने जलाई है और राज्य सरकार के सामने विरोध दर्ज करके मांग करी है कि सीधी भर्ती करने से पहले स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित नियुक्ति दी जाए, उसके बाद सरकार सीधी भर्ती करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी को नियमित नियुक्ति देने का काम सरकार करे। और हम ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम दे रहे हैं, यदि सरकार आज के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी नहीं चेती तो प्रांत व्यापी आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन सीधी भर्ती को प्रदेश के स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी मंजूर नहीं करें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।